सो वेलकम बैक टू विंग्स एक उड़ान। मेरा नाम है तंजोत सिंह। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरी क्लास में। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं आपके साथ अपनी एमसीक्यू सीरीज़ को ऑफिशियली आज स्टार्ट कर रहा हूँ, जहाँ मैंने ऑलरेडी 900 से 1000 एमसीक्यूज फ्रेम करके रखे हुए हैं और उनमें से कुछ 70-75 एमसीक्यूज आपके साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। आज जो एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, प्रोमिनेंटली फोना फ्लोरा के हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन मैंने फॉरेस्ट के भी डाले हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से भी डाले हैं, और इसी तरह से हम आज पढ़ने वाले हैं एमसीक्यूज फोना एंड फ्लोरा के। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप 70-75 एमसीक्यू सिर्फ एक चैप्टर के करेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ बचने वाला नहीं है उस चैप्टर में कि कहीं से आपको गुंजाइश रह जाए और JKSSB आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि हम JKGK को पूरा ही कंप्लीट करेंगे, उसी प्रॉमिस को फॉरवर्ड करते हुए, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए मैं आज आपके साथ अपने एमसीक्यू सीरीज़ में पहले एमसीक्यूज जो लाया हूँ वो फोना फ्लोरा के हैं। मोर ओवर, मेरे कई फ्रेंड्स हैं जो मेरी वीडियोस वॉच करते हैं और कमेंट करते हैं कि सर हमें PDF की ज़रूरत है, प्लीज़ हमें PDF सेंड कीजिए। तो वंस फॉर ऑल उनके लिए ये न्यूज़ है कि वो जाके टेलीग्राम जो लिंक है विंग्स का, वहाँ पे जाके देखें। वहाँ पे मैंने टेक्निकल टीम को बोल दिया है, सारे के सारे PDFs आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं आज MCQ सीरीज ऑफ JNK GK, वेयर टुडे आई एम गोइंग टू शेयर द नॉलेज ऑफ MCQs विद यू प्रोमिनेंटली अबाउट फोना फ्लोरा। तो आपके सामने ऑलरेडी बोर्ड पे पहला ही क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है, बताओ इसका फॉरेस्ट एरिया या फॉरेस्ट कवर कितना है। फाइन, तो इसका जो फॉरेस्ट कवर है वो लगभग कितना है, 20230 स्क्वायर किलोमीटर्स। फाइन, अब ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा फैक्चुअल क्वेश्चन है, मोर ओवर ये डाटा थोड़ा सा हो सकता है चेंज होता रहे, तो इतने चांसेस नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन पूछा जाए, इसलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ दीज फॉरेस्ट या फिर वेजिटेशन ड्रॉप देयर लीव्स, मतलब शेड देयर लीव्स इन द विंटर मंथ्स। फाइन, इसका मतलब ये उन फॉरेस्ट की, उन वेजिटेशन की, उन पेड़ों की बात कर रहा है जो अपने पत्ते क्या करते हैं, झाड़ देते हैं नीचे। फाइन, और आपको बता दूं जो अपने पत्ते झाड़ देते हैं मतलब जो क्या होते हैं, डेसीडियस, ये पर्टिकुलर वर्ड यूज किया जाता है इन टाइप्स की वेजिटेशन के लिए, कि बताओ कि इनमें से कौन से फॉरेस्ट डेसीडियस होते हैं। इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी फ्रेम किया जा सकता है या पूछा जा सकता है। ऑलरेडी आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि हमारे अर्थ में अगर ये मान लो इक्वेटर है, ये मान लो हमारी ट्रॉपिकल बेल्ट है पूरी, ठीक है, उसके बाद जो कि 23 तक है डिग्री तक, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे इसी ऊपर 44 तक अगर चला जाऊं तो मुझे मेरी सब ट्रॉपिकल बेल्ट मिलती है, और उससे ऊपर अगर मैं चला जाऊं 66 तक तो मुझे टेम्परेट बेल्ट मिलती है। अब सूरज की जो गर्मी है सबसे ज़्यादा मेरी ट्रॉपिकल बेल्ट पे पड़ती है, और सूरज की किरणों को टाइम लगता है यहाँ तक पहुँचते, तो इसलिए यहाँ पे जो इंसुलेशन है सूरज की वो कंपैरेटिवली कम होती है, और यहाँ पे जो इंसुलेशन है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, तभी ये जो मेरा ट्रॉपिकल रीजन है, मेरा जो ये ट्रॉपिकल रीजन है वो बड़ा ज़्यादा गर्म होता है ना, और जो मेरा सब ट्रॉपिकल रीजन है, दैट आई हैव ट्राइड टू शो यू विद द ग्रीन पेन, ये थोड़ा सा कम गर्म होता है, और जो मेरा टेम्परेट रीजन है दैट इज अप टू 66 डिग्रीज लैटिट्यूड, ये कंपैरेटिवली ठंडा रहता है, ठीक है। अब जितना भी मेरा जो टेम्परेट रीजन है, इसकी खासियत ये है कि धरती पे पूरे अर्थ में इस बेल्ट में जितनी भी वेजिटेशन पाई जाती है, बड़ा ही रेयर है कि वो अपने पत्ते झाड़ती हो, मतलब वो क्या होते हैं, वो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं, उनके पत्ते नहीं झड़ते, वो अपने लीव्स को शेड नहीं करते। तो अगर टेम्परेट रीजन अपनी लीव्स को शेड नहीं करेगी तो ऑब्वियसली, अगर मेरे पास, दिस इज टेम्परेट फॉरेस्ट नॉट टेम्परेचर, तो जो टेम्परेट बेल्ट है मेरी वो तो मेरा आंसर बन ही नहीं सकता। फिर अल्पाइन फॉरेस्ट की अगर बात करूँ, अल्पाइन रीजन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि ऐसा रीजन जो मेरी, सपोज यहाँ पे स्नो पड़ी है, बर्फ पड़ी है, बर्फ एक्यूमुलेटेड है, और यहाँ पे खूब सारे घने पेड़ हैं, काफ़ी हाइट पे, लगभग 3000 मीटर हाइट पे सी लेवल से कोई ऐसा एरिया है जहाँ एक घने पेड़ों की बेल्ट है, ऊपर घनी बर्फ की बेल्ट है, तो बीच में जो बेल्ट पाई जाती है ना, जहाँ पे मिनिमम नंबर ऑफ पेड़ होते हैं, जो प्लेन सा एरिया होता है जिसे मार्स भी बोला जाता है,
एल्पाइन भी बोला जाता है। यहाँ पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं छोटे छोटे, इन्हें हम कहते हैं एल्पाइन फॉरेस्ट। एल्पाइन फॉरेस्ट अगर समझनी हो तो मैंने अपनी वीडियो में ऑलरेडी बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि मार्क्स जो होते हैं, मार्क क्यों होते हैं, मार्क क्यों कहा जाता है, एल्पाइन क्या होता है, आप वीडियोज़ देख सकते हैं। मैं ये आपसे आपकी मर्जी, आप डायरेक्टली मेरे साथ एमसीक्यू सॉल्व कीजिए या पहले जाके मेरी एक बार सीरीज़ देखिए वीडियो की, क्योंकि सारे एमसीक्यूज़ वहीं से निकले हैं और एक एक चीज़ मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब की है। फाइन, एनी हाउ, तो एल्पाइन एरिया मैंने आपको बता दिया, एल्पाइन एरिया की हाइट ज़्यादा होती है। ये भी एल्पाइन एरिया मेरा कहीं ना कहीं टेम्परेट और टेम्परेट बेल्ट में ही पाया जाता है। और इसके जो फीचर्स हैं मैंने आपको बता दिए। यहाँ भी जो पेड़ लगे होते हैं कभी भी अपने पत्ते नहीं झड़ते, मतलब उनके पत्ते भी नहीं गिरते, दे आर ऑल्सो नॉट डेसीडियस, दैट इज़ वाई एल्पाइन भी नहीं हो सकता। अब जीरो फाइटिक वेजिटेशन में तो पेड़ ही ऐसे होते हैं जिनके पत्ते ही बड़े काम होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एगावस, फॉर एग्जाम्पल कैक्टस, जिनकी पानी की रिटेंशन बड़ी ज़्यादा होती है, मतलब अपने अंदर पानी को सेव करते हैं, मतलब कि थोड़े पानी में भी अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, उन्हीं को तो बोलते हैं जीरो फाइटिक। एंड प्रोमिनेंटली दिस टाइप ऑफ वेजिटेशन बिलोंग्स टू लद्दाख, लद्दाख फिर से टेम्परेट जोन, तो पत्ते नहीं झड़ेंगे, तो अल्टीमेटली मेरा आंसर बन गया सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो यहाँ मैंने जिसको नहीं आंसर आता था, अगर वो थोड़ा सा जनरल नॉलेज से इसे यूज़ करता, जनरल नॉलेज से इसे सॉल्व करता, तो वो ईजिली बता देता कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और जिसे पता था ये पढ़ने के बाद तो अब सबको ही पता है कि सीधा ही आंसर कौन सा बोल देना, सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। सब ट्रॉपिकल का और प्रैक्टिकल मतलब बताऊं तो सब ट्रॉपिकल का मतलब हमारे जम्मू वाला एरिया, हमारा कठुआ वाला एरिया, यहाँ से हमारे उधमपुर तक का एरिया, रियासी की थोड़ी सी बेल्ट, सारा सब ट्रॉपिकल बेल्ट में ही आता है। ठीक है, मैंने अपने वीडियोज़ में ऐसे एक्सप्लेन किया था कि मैंने अपने छत पर गावा लगाया हुआ है, जामुन लगाया हुआ है, लीची लगाई हुई है, किन्नू लगाया हुआ है, तो ये सब चीज़ें जो मैंने छत पे लगाई हैं, मतलब जम्मू में लगाई हैं, मतलब ये किसका पार्ट बन गए, इट बिलोंग्स टू सब ट्रॉपिकल रीजन। मोर ओवर मैंने कैसे याद करवाया था, ये मैंने बोला था तंजोत सिंह एसपी बनने की ख्वाहिश रखता है, तो टीक, सॉल, शीशम, पीपल, यहाँ से मैंने ये ट्रिक बना के सब ट्रॉपिकल के पेड़ भी याद किए हुए हैं। ये सब मेरी वीडियोज़ में अवेलेबल है। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर टू हमने सॉल्व कर लिया, आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नोन एज द किंग ऑफ ट्रीज इन कश्मीर, तो कश्मीर में किंग ऑफ ट्रीज किसे कहा जाता है, दैट इज डायरेक्ट आंसर चिनार। कोई पूछे चिनार में ऐसी क्या बात है जो इसे किंग ऑफ ट्रीज बोलते हैं, तो उसका रीजन ये है कि इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बड़ी ज्यादा हाई, या मान लो सबसे हाई होती है। कैलोरीफिक वैल्यू से मतलब है कि जो जलने पर देर तक गर्माश देता है, पहली बात। दूसरी बात, जो जलने के बाद कोई भी रेजिड्यू नहीं छोड़ता, इन दोनों बातों से कैलोरीफिक वैल्यू समझ आती है, और वो सबसे ज़्यादा किस में है, चिनार ट्री में। फाइन, चिनार ट्री इज शेडी ट्री, नसीम बाग फेमस फॉर इट इज फॉर इट श्रीनगर, इन श्रीनगर जो चिनार ट्री है उसको बेसिकली क्या बोला जाता है, इनमें से कौन सा नाम बोला जाता है, बूनी बोला जाता है। बूनी का मतलब छोटा, जैसे हम थिमना बोलते हैं ना, तो बूनी किसको बोला जाता है, चिनार को बोला जाता है, क्योंकि इसकी हाइट 25 से 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होती। घने ये बहुत ज़्यादा होते हैं, डेसीडियस भी होते हैं, किंग ऑफ ट्रीज भी से कहा जाता है, पर इसकी हाइट बड़ी कम होती है, और श्रीनगर में नसीम बाग इसके लिए बड़ा फेमस है। इसी क्वेश्चन से आपके 4-5 और क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नोन एज वुड्स ऑफ द गॉड, तो जब बात करते हैं वुड्स ऑफ द गॉड की, मतलब कि जो वुड्स ऑफ द गॉड है ये किसको कहा जाता है, ये देवदार को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि देवदार का जो एक करैक्टरिस्टिक है, दैट इज रॉट रेजिस्टेंट करैक्टरिस्टिक, वो उसको बनाता है वुड्स ऑफ द गॉड। तो वुड्स ऑफ द गॉड किसको कहते हैं, हम देवदार को कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो करैक्टरिस्टिक है वो क्या है, रॉट रेजिस्टेंट होता है, कभी कीड़ा नहीं लगता, कभी ख़राब नहीं होती, इवन पानी में से भी ख़राब नहीं होती। तभी जितने भी श्रीनगर में शिकारा तक बनाए जाते हैं वो किस लकड़ के पेड़ से बनाए जाते हैं, या पेड़ की लकड़ से बनाए जाते हैं, दैट इज देवदार। फाइन, चलते हैं आगे नेक्स्ट की ओर। चलो नेक्स्ट में चलते हैं हम। When did Jammu and Kashmir State Forest Policy established for conserving biodiversity preserve of natural forest? तो क्वेश्चन ऐसे है कि जम्मू कश्मीर की स्टेट फॉरेस्ट एस्टेब्लिशमेंट ने, स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी में
ये कब एस्टेब्लिश किया गया कि हमें प्रिजर्व करना है, कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को? तो उसका डायरेक्ट आंसर है 2010 में ये बात या ये पॉलिसी लाई गई। फाइन, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, अब जो चिनार पेड़ की मैं बात कर रहा था, अगर आपसे कोई सीधा सीधा पूछ ले कि बताओ चिनार ट्री का साइंटिफिक नेम या फिर बायोलॉजिकल नेम क्या है, उसका आंसर है प्लांटनस ओरिएंटलिस। प्लांटनस ओरिएंटलिस इज द नेम ऑफ, इज द साइंटिफिक और बायोलॉजिकल नेम ऑफ चिनार। फाइन, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब इसी तरह से, दिस इज देवदार नॉट देवदाल, तो साइंटिफिक नेम ऑफ देवदार ट्री क्या है अगर आपसे कोई पूछे? जब मैंने बच्चों को पढ़ाता हूँ तो मैं बताता हूँ इसको नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका नाम है सेड्रस देवदारा। लेकिन देखो जब क्वेश्चन बना तो उसने सेड्रस देवदारा की जगह सिर्फ सेड्रस लिख दिया, देवदारा लिखा ही नहीं। इसका मतलब मुझे ये कंपल्शन है मेरी कि मुझे इन ट्रीज़ के नाम याद होने चाहिए क्योंकि यही 6-7 ट्रीज़ हैं जो बड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट है जम्मू कश्मीर में, बड़े ही ज़्यादा रिच माने जाते हैं अपनी अपनी करेक्टरिस्टिक की वजह से। ठीक है, तो आप ये नाम डायरेक्टली याद कर लो, देवदार को बोलते हैं सेड्रस देवदारा। यहां से इसका आंसर बन गया बार्ट बी। फाइन, आगे चलते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ मारखोर लोकेटेड इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट। अब सबसे पहले ये मारखोर क्या चीज है अगर यही पूछ लें तो आपको बता दूं नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान कौन है? मारखोर है। ये गोट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट गोट्स या फिर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वाइल्ड गोट्स इन द वर्ल्ड की कैटेगरी में पाई जाती है। ऐसे भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं विच गोट इज द लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट गोट स्पीशीज इन द वर्ल्ड, सो इट इज मारखोर। मारखोर क्या है, इसकी विशेषता ये भी है कि बड़ा लंबा जंप मारती है और ये बड़ी ही ज़्यादा बड़ी होती है। और तीसरी करेक्टरिस्टिक मारखोर की ये है कि जो भी ये सपोज ये गोट है, ठीक है, ये जो गोट है इसका जो सींग होते हैं, इसके जो सींग होते हैं वो स्क्रू की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? स्क्रू। इसको बोलते हैं स्क्रू हॉर्न्ड गोट, मतलब जो इसके सींग हैं वो स्क्रू की तरह। पहली बात ये करेक्टरिस्टिक है, दूसरी करेक्टरिस्टिक है ये नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का। फाइन, तीसरी करेक्टरिस्टिक है ये बड़ी ज़्यादा वाइल्डेस्ट होती है और बड़ी लार्जेस्ट गोट मानी जाती है वर्ल्ड की, ठीक है, और चौथी की ये बड़ी लंबी छलांग भी लगा सकती है। फाइन, तो ये चार करेक्टरिस्टिक सारी की सारी किसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं? ये हमारी मारखोर की करेक्टरिस्टिक्स हैं। अब पूछा जा रहा है द साइंटिफिक नेम ऑफ मारखोर, ये भी बता दिया कि यहाँ कहाँ पाई जाती है। ये क्वेश्चन भी बन सकता था कि मारखोर एक्चुअली कहाँ पाई जाती है, तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, काजीनाग टाइप ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। फाइन, लिखा ही हुआ है यूनियन टेरिटरी काजीनाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, नेशनल पार्क में पाई जा रही है। तो इसका बताओ कि इसका नाम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम या नेशनल बायोलॉजिकल नेम क्या है? तो वो नाम है कैप्रा फाल्कनोरी। क्या नाम है इसका? कैप्रा फाल्कनोरी। ये नाम आपको याद रखना ही पड़ेंगे, आपकी मजबूरी है क्योंकि एमसीक्यूज ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही बनेंगे। इसी में से 3 एमसीक्यूज बन सकते हैं। पहला तो ये कि मारखोर पाई कहाँ जाती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, जम्मू कश्मीर में। दूसरा पूछ सकते हैं कि कौन से नेशनल पार्क में प्रोमिनेंटली पाई जाती है। और तीसरा तुमने पूछ ही दिया कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है। फाइन, और कुछ और जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कि स्क्रू हॉर्न गोट किसके होते हैं, उसके बाद पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन है, तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। फाइन, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि जो ये जो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है जम्मू कश्मीर में? तो अगर मुझे पता हो कि सलीम अली नेशनल पार्क को ही सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहा जाता है, मुझे सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन अगर पता हो तो ऑब्वियसली मैं आंसर निकाल लूँगा कि कहाँ पाई जाती है। भाई साहब, श्रीनगर में पाई जाती है, श्रीनगर से कोई 10 किलोमीटर आगे पीछे है। फाइन, तो जो सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क है उसी को सलीम अली नेशनल पार्क बोलते हैं। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है? ऑफ कोर्स श्रीनगर में। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर विच केम इन 1948, जिन्होंने रेड डाटा बुक बनाई और जिन्होंने कुछ 9 कैटेगरीज में बांटा हमारी स्पीशीज को, वर्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, ठीक है, एक्सटिंक्ट, ठीक है, डाटा इनसफिशिएंट, करते 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 9 कैटेगरीज में इन्होंने बांटा। इस पे से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसमें से भी क्वेश्चन पूछा क्या गया है
कि स्नो लेपर्ड का जो स्टेटस है अकॉर्डिंग टू IUCN वो क्या है। तो स्नो लेपर्ड का स्टेटस है वल्नरेबल। स्नो लेपर्ड का स्टेटस क्या है? वल्नरेबल। हमने जम्मू कश्मीर में स्पेशल प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था, प्रोजेक्ट हंगुल, ठीक है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से भी पहले जम्मू कश्मीर में लाया गया था फॉर प्रोटेक्टिंग हंगुल, दैट वॉज इन डाचीगाम एंड द स्टेटस वॉज क्रिटिकली एंडेंजर्ड एट दैट टाइम। फाइन, ये सब मैंने अपनी वीडियोज में बताया, चलते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी हो गया, अगला क्वेश्चन वही आ गया बाई चांस, IUCN स्टेटस क्या है हंगुल का, कश्मीरी स्टैग जिसे बोलते हैं। पहला क्वेश्चन हंगुल, हंगुल का दूसरा नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और अगर इसका स्टेटस पूछ ले तो इसका स्टेटस क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। डाचीगाम स्पेशल इनको प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया और ये काफ़ी जल्दी 1970 में आई गेस ये बना दिया गया था, ठीक है। चलते हैं आगे, अब इसी हंगुल का हमें साइंटिफिक नेम पूछा है, तो हंगुल का साइंटिफिक नेम है बेटा सर्वस एलिफस हंगुल, सर्वस एलिफस हंगुल। तो अगर आपको साइंटिफिक नेम हंगुल का आ जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वस एलिफस हंगुल। चलते हैं आगे, अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्राउन बियर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क। अच्छा, ब्राउन बियर जो है कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है? ब्राउन बियर कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है जम्मू कश्मीर में? तो आपको बता दूं, इसका आंसर है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। अब अगर आप मुझसे पूछो कि मैंने रट्टा मारा या याद किया या क्या किया, तो मैंने सिर्फ चीज़ों को इंटरलिंक किया जिससे मुझे आंसर पता चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो नेशनल पार्क है हिमालय का, दैट इज़ हिमालयन नेशनल पार्क फाउंड इन हिमाचल प्रदेश, इट इज़ वन ऑफ द लोकेशन ऑफ हेरिटेज लिस्ट ऑफ इंडिया। मतलब कि हमारी जो हेरिटेज लिस्ट है जिसमें 40 हेरिटेज मोन्यूमेंट्स हैं इंडिया में, उस हेरिटेज लिस्ट में यूनेस्को ने हिमाचल प्रदेश के हिमालयन नेशनल पार्क को एडमिट किया है। क्यों किया है? क्योंकि वहाँ पे क्या पाया जाता है, ज़्यादातर वहाँ पे पाया जाता है कहाँ गया, ब्राउन बियर। तो अगर मैं दिमाग लगाऊं कि ये अगर मेरा J&K है सपोज, ठीक है, यहीं पे कहीं पे हिमाचल है, यहीं पे कहीं पे दूसरी स्टेट है और ये सेम बेल्ट जा रही है, तो अगर हिमाचल प्रदेश की उस बेल्ट में पर्टिकुलरली ब्राउन बियर पाया जा रहा है तो उसके साथ तो सिर्फ किश्तवाड़ ही लग रहा है जम्मू कश्मीर का। तो ऑब्वियसली ये वाली सेम चीज़ अगर जम्मू कश्मीर में पाई जाएगी तो कहाँ पाई जाएगी? किश्तवाड़ में पाई जाएगी। यहाँ से मैंने इसका आंसर निकाला, कोई रट्टा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस नॉलेज है जिसे मैंने इंटरलिंक किया है और अपने आंसर्स निकाले। सब कुछ है मेरी वीडियोस में, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आगे। अगला है डाचीगाम नेशनल पार्क कब एस्टैब्लिश हुआ? तो ये एस्टैब्लिश हुआ था 1981, मान लो ई ऑप्शन है मेरा 1981, तो ये कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1981 में, ठीक है, ये फैक्चुअल है, याद ही करना साफ साफ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क नेम स्टैंड्स ऑन 10 विलेज। 10 विलेज मतलब 10 को मैं हिंदी में क्या बोलूँगा? 10। विलेज को क्या बोलूँगा? गांव, ठीक है। तो वहाँ से कहीं ना कहीं आप रिजेंबल कर सकते हो कि डाचीगाम ही किसको बोल रहे होंगे? 10 विलेज को बोल रहे होंगे। कोई याद करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा ट्रिक क्या, 10 गाँव डाचीगाम, दैट्स इट। फाइन, हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर? तो अगर तो ये यूनियन टेरिटरी की बात करें तो आंसर आएगा 4। अगर तो ये स्टेट की बात करें जो पहले थी या वापस बनने वाली है तो आंसर आएगा 5। और अगर आप बात करोगे सर ये है क्या चक्कर, तो मैं समझा देता हूँ फटाफट से। सपोज ये है हमारा प्यारा जम्मू एंड कश्मीर, फाइन। सपोज ये पूरी की पूरी बेल्ट है, ये पहाड़ हैं, फिर ये फिर से पहाड़ हैं, ये पहाड़ हैं पूरे के पूरे स्नो वाले पहाड़, मान लो ये वाइट कलर के पहाड़ हैं, बर्फ़ गिरी हुई है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम काराकोरम रेंज, इसको बोलेंगे लद्दाख रेंज, इसके नीचे आ जाएगी जस्कर रेंज, उसके नीचे आ जाएगी ग्रेट हिमालयन, आ रहा सारा दिख रहा है, ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है।
उसके नीचे आ जाएगी हमारी पीर पंजाल रेंज, उसके नीचे आ जाएगी शिवालिक रेंज। ठीक है, तो मैं रेंजेस को ड्रॉ कर देता हूँ फटाफट एक क्वेश्चन समझाने के लिए, अच्छे से समझ आ जाएगी तो आज के बाद कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये मेरी रेंज आ गई पर्टिकुलरली कारंकोरम वाली बेल्ट, ये बेल्ट आ गई मेरी लद्दाख वाली, ये आ गई जस्कर वाली बेल्ट, ये आ गई ग्रेटर हिमालय वाली बेल्ट, ये पीर बरन वाली बेल्ट और ये फिर शिवालिक वाली बेल्ट। ये बेल्ट समझ आ गई। अब देखो आपको मैं एक टफ क्वेश्चन करवाने वाला हूँ यहाँ पे, कि अगर आपको ऐसा पूछ ले कि भाई साहब मुझे बताओ, हमें बताओ कि अगर इन्हीं नेशनल पार्क्स कितने हैं, कौन से हैं, वो तो मैं बता रहा हूँ, पर आपको पूछ लें कि इन्हीं नेशनल पार्क्स को हम कैसे लगाते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट कौन सा था, राइट से लेफ्ट कौन सा था, पूछ तो क्या करोगे, फंस जाओगे ना, इसलिए मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे इधर कौन सा नेशनल पार्क है इस साइड पे मेरा, दैट इज अगर सपोज ये मेरे पेड़ लगे हैं, कोई पेड़ों वाली बेल्ट है मेरे पास, ये कोई नेशनल पार्क है, तो ये नेशनल पार्क है मेरा, दैट इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क, जो मेरा बेसिकली ग्रेट हिमालयस वाली बेल्ट पे है। ठीक है, ये नेशनल पार्क है पूरा का पूरा मेरा, प्रोमिनेंटली ये ग्रेट हिमालयस वाली बेल्ट पे। ठीक है, अब लद्दाख रेंज वाला पूछूं तो यहाँ पे कहीं आता है मेरा हैमिस नेशनल पार्क, ये एक्चुअली थोड़े यहाँ है ना, यहाँ पे आता है मेरा हैमिस नेशनल पार्क, ये आ गया लद्दाख वाला, लद्दाख इज नॉट नाउ इन, इट इज नाउ नॉट इन जम्मू कश्मीर, सो मैं जम्मू कश्मीर में इसको इंक्लूड नहीं करता हैमिस नेशनल पार्क को। तो पहला जो मैंने किया कंसिडर वो है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, उसके आगे आ जाओ तो जो पीर पंजल वाली बेल्ट है मेरी, ये जो बेल्ट है, ये जो अगर मैं थोड़ी वेजिटेशन दिखाऊँ पीर पंजल में, इस पीर पंजल बेल्ट में पाया जाता है डाची गाम नेशनल पार्क। कौन सा पार्क? डाची गाम नेशनल पार्क। फाइन, सबसे इधर आ जाऊं तो यहां श्रीनगर के पास मेरा पाया जाता है सलीम अली, श्रीनगर के पास के सलीम, श्रीनगर में ही पाया जाता है सलीम अली नेशनल पार्क। थोड़ा सा ऊपर चले जाऊं इधर, यहां पाया जाता है इसी के अंदर बारामूला में काजीनाग नेशनल पार्क। काजीनाग जिसको नहीं दिख रहा वो सुन तो रहा है ना, एटलीस्ट समझ आ ही जाएगा, बच्चों की तरह नहीं बोलना सर बड़ा छोटा लिख दिया दिखा नहीं क्या नहीं है, पीडीएफ पे ऐसे लिख होता है। तो काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ पे? बारामूला में। फाइन, तो कितने हो गए मेरे पास? एक आ गया किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है, एक आ गया डाचीगाम नेशनल पार्क, एक आ गया काजीनाग नेशनल पार्क, एक आ गया सलीम अली नेशनल पार्क। तो 1, 2, 3, 4। तो इसी तरह से मैंने आपको पूरी बेल्ट में बता दिया कहाँ कहाँ क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, थोड़ा ब्लैक कलर से बताता हूँ, ये आ गया किश्तवाड़ नेशनल पार्क, ठीक है, ये आ गया पीर बंजल बेल्ट के पेड़ों में मेरा डाचीगाम, बारामूला में आ गया काजीनाग, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे श्रीनगर में आ गया सलीम अली। ये चार बेसिक मेरे क्या हैं, नेशनल पार्क्स हैं जो जम्मू कश्मीर यूटी में पाए जाते हैं, यूनियन टेरिटरी में पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप बात करें स्टेट की तो फिर मुझे वो लद्दाख बेल्ट का हैमिस नेशनल पार्क भी कंसिडर करना पड़ता है। तो आप देखो सबसे इधर हैमिस, थोड़ा इधर लगाओ, सबसे इधर क्या है? किश्तवाड़। फिर मेरा क्या आया? लद्दाख वाला हैमिस। फिर मेरा आया डाचीगाम वाला, अपना पीर पंजल वाला डाचीगाम। फिर मेरा आया बारामूला वाला काजीनाग। फिर मेरा आया श्रीनगर वाला सलीम अली। तो लेफ्ट से राइट लगाने को अगर कोई पूछे तब भी आप इस क्वेश्चन में लगा सकते हो। सबसे सिंपल क्वेश्चन तो यही है कि भाई हैं कितने हैं जम्मू कश्मीर में? भाई चार हैं भैया जी, चार हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया कौन कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन किश्तवाड़ है, डाचीगाम है, सलीम अली है और काजीनाग है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है ये कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में है, कौन कौन सी बेल्ट्स में है। किश्तवाड़ वाला ग्रेटर हिमालयस बेल्ट पे है, डाचीगाम वाला पीर पंजाल बेल्ट में है, ठीक है, और जो जम्मू कश्मीर की बेल्ट है जैसे पीर पंजाल बेल्ट है या फिर ग्रेटर हिमालयस बेल्ट में, इसके पास पास पाए जाते हैं काजीनाग और सलीम अली वाले। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछे कि मुझे लेफ्ट से राइट या फिर नॉर्थ या फिर ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट लगा के बताओ कि ये कैसे कैसे हैं, वो वाला क्वेश्चन का आंसर भी हो गया कि सबसे यहाँ पे सलीम अली, उसके बाद काजीनाग दैट इज श्रीनगर, देन बारामूला थोड़ा सा ऊपर काजीनाग, उसके आगे डाचीगाम दैट इज पीर पंजाल बेल्ट, और उसके आगे किश्तवाड़, ठीक है, दैट इज अ सब डिविजन ऑफ जम्मू। फाइन, जम्मू की डिवीजन का किश्तवाड़। तो इससे 5-6 क्वेश्चन जो निकल सकते हैं, मैक्सिमम जितने निकल सकते हैं वो यही है, इस पूरी डायग्राम से आप समझ सकते हो। ठीक है,
माफ़ करना, डायग्राम थोड़ी गंदी संदी बन गई है, लेकिन मैंने समझाया जो प्रॉपरली समझाया, आप उसको सुनो ध्यान से और कॉपी पे अपनी भी ड्रा कर लो, सो दैट आपको याद रहे आने वाले टाइम के लिए, एटलीस्ट जब तक आपके पेपर नहीं हो जाते। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये तो नहीं किया मैंने, हाउ मेनी नेशनल पार्क आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर, इफ़ इट इज़ यूनियन टेरिटरी देन इट इज़ 4, नॉट 5, इफ़ इट इज़ स्टेट देन इट इज़ 5, फाइन। अब मैंने बताया था कि रेड लिस्ट जो है किसने फाइंड की है भाई, रेड लिस्ट फाइंड की है IUCN ने, थोड़ी देर पहले बताया था, IUCN भी क्या है ये भी बताया था। अब जो IUCN ने रेड लिस्ट फाउंड की है वो कब की है, खुद ही 1948 में आया था, तो ऑब्वियसली उसके बाद ही की होगी, पर अफसोस सारे के सारे उसके बाद है, वहाँ से तुक्का तो बना नहीं, तो याद ही करना पड़ेगा 1963 में क्या आई थी, रेड लिस्ट आई थी, जो किसने दी थी, IUCN ने दी थी, फाइन। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में पाई जाती है, हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ठीक है, हिरपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जम्मू कश्मीर की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, तो वो याद रख लो वो शोपियां डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, शोपियां डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बालटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पाई जाती है, तो बालटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दूसरा नाम क्या है, तो बालटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दूसरा नाम है थजवास, क्या नाम है, थजवास, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, तो बता दिया बालटल का दूसरा नाम क्या है, थजवास नाम है, ठीक है, फाइन। चलो आगे, इन टाउन कटरा, कटरा माँ वैष्णो देवी वाला कटरा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड देयर, तो वहाँ पे क्या है, रियासी में है हमारी त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वही है, कौन सा टाउन, कटरा का टाउन, तो वहाँ पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है, त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट चलते हैं, सबसे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, तो मैं आंसर यूनियन टेरिटरी वाला ही दूंगा सीधा सीधा, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट जो है वो है ओवेरा अवू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पाई जाती है बच्चे, ये पाई जाती है आपकी बेसिकली पहलगाम में, ठीक है, तो अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ लें तो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में पहलगाम में क्या पाया जाता है, ओवेरा अवू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है, जो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है किसकी, जम्मू कश्मीर की, ठीक है। चलें आगे, देखो मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ ना, मैं इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आपको याद ही हो जाए, पढ़ा याद किया और ख़त्म, लिखने की ज़रूरत ना पड़े, रटा मारने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है, कोई ना कोई साथ में चीज़ें याद रह जाएं। नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट है हाउ मेनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, तो ये कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ये हैं 13, 13 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर देयर विच आर लोकेटेड इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, जिसमें ओवेरा अबू है, जसरोटा है, राचीगाम है, बड़ी ज़्यादा है, ठीक है, आप देख लेना 13 नाम, ये जो 13 नाम है स्टडी कर लेना। नेक्स्ट इज लाचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है जम्मू कश्मीर की, तो ये पाई जाती है बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ पाई जाती है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में, लाचीपोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द आंसर विल बी बारामूला। होकेसार वेटलैंड जो है इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बेसिन इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी, तो होकेसार जो है वेटलैंड जो है वो कौन सी यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड जम्मू कश्मीर की, दैट इज इन, मतलब जो वेटलैंड है होकेसार वो कौन सी रिवर बेसिन पे लोकेटेड है जम्मू कश्मीर में, तो आंसर विल बी, द आंसर विल बी झेलम। ओके, अब एक एक को ज़्यादा समझाना स्टार्ट हो जाऊंगा ना तो वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्ट शॉर्ट में समझेंगे, इतना ही समझेंगे कि हमें याद रह जाए बस, है ना। गॉडेस ऑफ फ्लावर क्या, फ्लावर मतलब फ्लोर, फ्लोर मतलब जो फ्लोर पे लगते हैं, सो वहाँ से मैंने याद रखा हुआ है, गॉडेस ऑफ फ्लावर विल बी फ्लोरा। विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड रिसीव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड रिसीव्स वाटर फ्रॉम आंचर लेक, आंचर एक लेक है, ये लेक है श्रीनगर में, ठीक है, श्रीनगर में, अगर आप पूछो कि ये जो आंचर लेक है कहाँ पे है, तो वो है सोरा में, सोरा एरिया ऑफ श्रीनगर, यहाँ पे पाई जाती है आंचर लेक, फाइन। एंड सिंध नाला, सिंध नाला आपको पता होगा, जो सिंध रिवर है या सिंध नाला है वो पूरा का पूरा गांधरबल के पास चलता है, पूरा का पूरा गांधरबल के साथ साथ चलता रहता है, अगेन ए डिस्ट्रिक्ट ऑफ श्रीनगर, फाइन। तो इन दोनों का पानी, ठीक है, सिंध का पानी और गांधरबल का पानी, अल्टीमेटली विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड रिसीव्स, कौन सी ऐसी वेटलैंड है जो पानी ले रहा है आंचर लेक से भी और सिंध नाला से भी, आंचर लेक जो श्रीनगर में सोरा एरिया में है और
सिंध नाला, मतलब जो नाला है, पानी है, वो जो गांधरबल के साथ साथ चल रहा है, ये दोनों अल्टीमेटली पानी अपना आके कहाँ मिलाते हैं, कहाँ मिला रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं, वो दे रहे हैं हमारे मानबुग में। कहाँ दे रहे हैं? मानबुग में। ओके, चलते हैं आगे। मीरगुन वेटलैंड लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो द आंसर इज बारामूला। फाइन। व्हेन डिड होकेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एडेड इन रामसर साइट्स? तो जो होकेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये रामसर साइट में कब ऐड की गई? 2005 में ऐड की गई। कब ऐड की गई? 2005 में, 2005 में, ठीक है। अच्छा, जो हाईगाम वेटलैंड है, ये कहाँ ड्रेन होती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिसेंटली है, थोड़ा मतलब समझ लो करंट अफेयर वाला क्वेश्चन भी कह सकते हैं इसको। तो जो हाईगम या हाईगम जो मर्जी बोलो, ये जो वेटलैंड है, ये कहाँ ड्रेन होती है? ये ड्रेन होती है वुलर लेक में। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, अगले क्वेश्चन में मैंने ये बताया है कि कौन से टाइप के स्पीशीज़ यहाँ पाए जाते हैं पर्टिकुलरली हाईगम में। तो टाइपा एंड फ्रेगमाइट्स आर द डोमिनेंट स्पीशीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी दैट बिलोंग्स टू विच वेटलैंड? दैट बिलोंग्स टू हाईगम वेटलैंड। दोनों क्वेश्चन साथ ही हैं, तो दोनों याद रह जाएंगे, अच्छी बात है, पेपर में आया तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इज लोकेटेड इन पामपोर टाउन? तो पामपोर टाउन में कौन सा वेटलैंड है? मानबुग वेटलैंड है, ठीक है। पामपोर टाउन में कौन सा वेटलैंड है? ओके, जो वेटलैंड है ना आंचर लेक और सिंध वाला, सॉरी मैंने गलत बता दिया, इसका आंसर मीरगुंड है। मीरगुंड है या शालाबुग है? इसका आंसर है इसका आंसर है शालाबुग। फाइन। तो जो पानी है आंचर लेक का और सिंध नाले का, ये पानी कहाँ आ रहा है? अल्टीमेटली शालाबुग में आ रहा है, याद रखिएगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग वेटलैंड इज लोकेटेड इन द पामपोर टाउन? तो यहाँ पे कौन सा वेटलैंड है पामपोर में? मानबुग वेटलैंड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? मतलब इनमें से कौन सी इंडस्ट्री है जो फॉरेस्ट रिसोर्स पे डिपेंड करती है? क्या सिल्क करती है? करती है। फर्नीचर तो बनता ही वहाँ से है, पेपर भी वहीं से आता है, पेड़ों से आता है। तो अल्टीमेटली सारी की सारी क्या है? बिलोंग्स टू और डिपेंड्स अपॉन द फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ अवर स्टेट। फाइन, ये भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ऐसे कौन से फॉरेस्ट होते हैं जो जम्मू कश्मीर में जिनका लार्जेस्ट एरिया है अभी? तो वो कौन से फॉरेस्ट हैं? वो सरकार द्वारा प्रिजर्व, दैट इज रिजर्व्ड फॉरेस्ट है हमारे। कौन से फॉरेस्ट हैं? रिजर्व फॉरेस्ट है, जिनका क्या होता है? लार्जेस्ट एरिया कवर होता है। ओके, इतना भी हो गया। अब नेक्स्ट देखो, एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, तो फॉरेस्ट एरिया कितना? ये पहले ही क्वेश्चन था, हमने किया 20230 के आसपास, तो फर्स्ट इसका आंसर बन गया, छोड़ो। एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज द लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। 2017 के हिसाब से जम्मू कश्मीर का कौन सा डिवीजन है या रीजन है जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है? तो वो है जम्मू का। इसे थोड़ा सा एडवांस बताऊं तो रिसेंटली 2019 के सेंसस के हिसाब से पूंछ जो है वो पाया गया कि नंबर वन है या बन चुका है अब हमारे फॉरेस्ट कवर में। क्या बन चुका है? ये नंबर वन बन चुका है फॉरेस्ट कवर ऑफ J&K में। इससे पहले शायद किश्तवाड़ नंबर वन था। फाइन, तो अब लेकिन किश्तवाड़ की प्लेस को रिप्लेस किया है किसने? पुंछ ने किया है। दैट इज कम इनटू द फर्स्ट प्लेस ऑफ फॉरेस्ट कवर एरिया। फाइन, 2019 के सेंसस से, इनके इसके बाद का भी कोई लेटेस्ट सेंसस नहीं हुआ है। नेक्स्ट आ जाओ, तो ये कर लिया ना हमने कि विच रीजन आ गया, जम्मू रीजन आ गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लो क्या है। विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कवर इज द लीस्ट एरिया ऑफ रिकॉर्डेड? जैसे सबसे ज्यादा एरिया रिजर्व फॉरेस्ट में था, वैसे सबसे कम एरिया कौन सा है हमारा? अनक्लास्ड फॉरेस्ट में। जो फॉरेस्ट अनक्लास्ड हैं उसमें सबसे हमारा कम एरिया है। ये भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, एज पर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैज़ द लोएस्ट फॉरेस्ट कवर? मतलब कि ऐसी कौन सी डिस्ट्रिक्ट कवर है जिसके पास सबसे ज़्यादा कम फॉरेस्ट है? तो ऑब्वियसली देखो, राजौरी हो, पुलवामा हो, पुंछ हो, फॉरेस्ट तो है ही है, लेकिन कारगिल ऐसा एरिया है जो बड़ा बर्फ़ से ढका हुआ एरिया है, तो वहाँ पे फॉरेस्ट के होने की संभावना कम है, प्लेन एरियाज होते हैं। तो इसका आंसर क्या बन गया? ऑब्वियसली कारगिल बन गया। मुझे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने बस थोड़ा सोचा कि क्या चक्कर क्या हो सकता है, क्या पुंछ हो सकता है, पुलवामा हो सकता है, राजौरी हो सकता है, कारगिल, तो कारगिल इसमें मोस्ट प्रोमिनेंट मुझे आंसर लगा और यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर लाइज इन जम्मू एंड कश्मीर, ऑल्टीट्यूड ऑफ? अब देखो ये क्वेश्चन क्या है,
ये क्वेश्चन है कि मुझे बताओ कि जो फॉरेस्ट कवर है सबसे ज़्यादा वो कहाँ पाया जाता है। मैंने आपको बताया पूंछ में पाया जाता है, एज़ कम्पेयर टू जम्मू पूंछ की हाइट ज़्यादा है, सी लेवल से पूंछ की हाइट और ज़्यादा है, तो वो जो हाइट है ना सी लेवल से वो कितनी पाया जाती है, वो लगभग लगभग मेरे ख्याल से 2000 से 3000 मीटर तक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा हाइएस्ट फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट इज ऑल्टीट्यूड 1000 मीटर अबव द मेन सी लेवल। ठीक है, तो ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था ना कि जम्मू कश्मीर का एरिया जो है सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, फिर हिमालयन मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, सब अल्पाइन एंड अल्पाइन फॉरेस्ट हैं, या सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं। ठीक है, देखो एवरग्रीन तो आएगा नहीं, एवरग्रीन तो बड़े ठंडे इलाके होते हैं, टेम्परेट रीजन होते हैं। ठीक है, फिर जो ऑल्टीट्यूड पूछ रहा है वहाँ पे अल्पाइन भी नहीं आ सकता, अल्पाइन हमेशा थोड़ा ऊपर वाला ऑल्टीट्यूड होता है, हिमालयन तो आ ही नहीं सकता, हिमालयन मॉइस्ट मतलब, मॉइस्ट मतलब एक तो हिमालय ऊपर से वेटी गीला, मतलब उसको नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से पानी मिलता होगा। ठीक है, इसका मतलब ऑब्वियसली वो पीर पंजल बेल्ट के उधर है, ये मैंने समझाया अपनी वीडियोस में भी कि जो साउथ वेस्ट मानसून है इंडिया का वो हिमालयस में इसलिए नहीं जाता या फिर कश्मीर से आगे, जम्मू से आगे इसलिए नहीं जाता क्योंकि पीर पंजल बेल्ट है, जो पीर पंजल पहाड़ी है, पीर पंजल बेल्ट है जो पहाड़ों की, वो उस पानी को आगे, वो उस हवा को आगे जाने नहीं देती। वैसे ही जो हमारी ग्रेटर हिमालय की पहाड़ियां हैं वो नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को इस साइड आने नहीं देती, तो मतलब साउथ वेस्ट मानसून ऊपर जाने से रोका पीर पंजल ने और नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्बेंसेस हिमालय ने रोकी अंदर आने से। अल्टीमेटली अगर ये एरिया वेट हुआ तो हुआ इसकी वजह से, ये एरिया वेट हुआ तो हुआ इसकी वजह से। अब ऑलरेडी बता रहा है एक तो हिमालयन है ऊपर से वेट है, तो वो तो श्रीनगर से ऊपर की कहानी होगी ना, अगर श्रीनगर से ऊपर की कहानी हो गई तो वो ऑल्टीट्यूड तो ऊपर चला जाएगा और ज़्यादा, 1000 थोड़ी ना रहेगा, तो इसलिए ये भी मैंने कैंसिल कर दिया। देखा मैंने कैसे अपना आंसर निकाला, अल्टीमेटली एक ही बचा, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट मस्ट, दिस बी माई आंसर, दिस मस्ट बी द आंसर। अभी मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मुझे मेरी नॉलेज ने बता दिया या मेरी इन्फॉर्मेशन ने बता दी कि ये आंसर है। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है, पीर पंजल बेल्ट क्या कर रही है, उसका साउथ वेस्ट मानसून में क्या रोल है, वैसे ही नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का क्या रोल है, अगर आपको पता होगा तो आप ये क्वेश्चन निकाल लोगे, इसका भी लिंक बन गया। चलते हैं नेक्स्ट, द फॉरेस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर इज क्लासिफाइड कितने तरह के फॉरेस्ट हैं, 5 टाइप्स के फॉरेस्ट हैं। फाइन, हमारे पास 5 टाइप के फॉरेस्ट हैं। चलो आगे, हिमालय है ऊपर से मॉइस्ट है, एक तो हिमालय है ऊपर से मॉइस्ट है, मतलब लद्दाख वाली बेल्ट से तो नीचे ही है, तो ये लद्दाख वाली बेल्ट है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये बेल्ट तो 350, ये कुछ लिखा नहीं है प्रॉपरली, ये भी वही वाली बेल्ट है, जस्कर वाली बेल्ट है, हो नहीं सकता, ये सब ट्रॉपिकल बेल्ट है, हो नहीं सकता, ये बेल्ट आ गया भाई हिमालयन में इसकी 1500 से 3300 मीटर। फाइन, देखा मेरे को पता था ये बेल्ट कौन सी है, ये बेल्ट कौन सी है, ये कौन सी है, तो ये तो निकल ही गया ना, कौन सी बची, फिर ऐसे भी आंसर निकल जाते हैं। अब आ गया चीड़, चीड़ जो पेड़ है इज़ द प्रीडोमिनेंट स्पीशीज ऑफ विच फॉरेस्ट, तो जो चीड़ पेड़ है ये है हमारा सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट का। ठीक है, ये भी हो गया। चलो आगे, अब कॉनीफेरस की हाइट कितनी होती है, कॉनीफेरस क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, कॉनीफेरस वो होते हैं जो तीखे होते हैं, तीखे मतलब नीडल टाइप होते हैं, इसका मतलब भी क्या है, शायद गूगल भी यही बताता है, नीडल टाइप, नीडल मतलब ऐसे लंबे 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 पत्ते, इनकी दो विशेषताएं हैं, एक तो ये लंबे लंबे पत्ते होते हैं कॉनीफेरस, दूसरी विशेषता ये कि ज़्यादातर ये कहाँ पाए जाते हैं, ग्रेटर हिमालय वाली साइड पाए जाते हैं, मतलब कि ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, तो एक तो ठंडे इलाके में पाए जाते हैं, एक तो एवरग्रीन होते हैं, तो ठंडे इलाके एवरग्रीन से देखते हैं मेरे कोई आंसर निकलता है, आंसर ये कि इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, ये 30 मीटर्स तक होते हैं। ठीक है, कॉनीफेरस 30 मीटर्स तक, जैसे चिनार है, चिनार हाँ तो डेसिडियस है पर वो भी हाइट कितनी होती है, 30 मीटर ही होती है। ये भी हो गया, चलते हैं आगे, खत्म। हिमालयन ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट, एक तो हिमालय ऊपर से ड्राई, तो सबसे ज़्यादा ड्राई कहाँ पे, जहाँ पे जीरो फर्टिक वेजिटेशन होती है, मैंने ऑलरेडी बताया कहाँ होती है, लद्दाख में होती है, तो आंसर डायरेक्टली हिमालयन ड्राई टेम्परेट, टेम्परेट मतलब ठंडी बेल्ट, स्टार्टिंग में बताया ऊपर से हिमालय वाली बेल्ट, ऊपर से ड्राई, ड्राई मतलब जीरो फर्टिक वेजिटेशन दैट बिलोंग्स टू लद्दाख। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ, जस्ट अ सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो मतलब कि ऑस्पेक्ट ऑफ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन लगा लो इसको, है ना, तो क्या भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट है कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट है, ऑल ऑफ द अबव। फाइन,
चलते हैं नेक्स्ट, जूनिपर्स, बेतुला, पाइनस, एबीज, श्रूबी, रोडोडेंड्रॉन, सेलिक्स एक्सेट्रा आर इम्पॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ विच फॉरेस्ट। तो देखो मैंने ऐसे याद रखा हुआ है कि जैसे ये मेरे को पता है ये कोई स्नो की बेल्ट है ना, यहाँ स्नो गिरी है, सिर्फ छड़े बादल स्नो गिरा रहे हैं। ये वाली बेल्ट है मेरी पेड़ों वाली, छड़े पेड़ हैं, एक हाइट पे 3000 मीटर की हाइट लगा लो, और ये एकदम प्लेन एरियाज, मस्त वाले रोमांटिक एरियाज, जैसे पहलगाम है, जैसे सनासर है ना, जैसे पीर गली है पूंछ वाली साइड। मतलब क्या है ये, एक्चुअली मैं क्या कह रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं अल्पाइन पेस्चर्स की बात कर रहा हूँ, जिसके ऊपर स्नो बेल्ट होती है, जिसके नीचे पेड़ों वाली बेल्ट होती है, और वो खुद में बड़े प्लेन एरिया होते हैं, प्लेन एरियाज होते हैं, है ना। तो प्लेन एरियाज होते हैं, अच्छे भी लगते हैं, दिखते भी अच्छे, और यहाँ पे पिकनिक वगैरह मनाने भी जाते हैं, ज़्यादातर ऐसे ही एरियाज होते हैं वो। अब ये जो एरियाज हैं, यहाँ जो प्रोमिनेंट पेड़ पाए जाते हैं ना, देखो यहाँ पेड़ बड़े कम है, इस एरिया में तो पेड़ है ही नहीं है बिल्कुल, नो ट्रीज, लिमिटेड ट्रीज, इसके नीचे फॉरेस्ट बेल्ट होती है, इसके ऊपर स्नो बेल्ट होती है, बीच में तो कोई पेड़ नहीं होते। तो मतलब बीच वाले पेड़ को क्या हो गया, सांप सूंघ गया, क्या हो गया, सांप सूंघ गया, ऐसे बोलते ना, सांप सूंघ गया। तो ऐसे ही मैंने याद रखा हुआ है सांप से, ठीक है, दैट इज सांप से, एस से सेलिक्स, एस से श्रबी रोंडोड्रेंस, ए से एबीस, पी से पाइनस, ठीक है, सांप, सांप से मैंने ये याद रखा हुआ, ये मेरा ट्रिक है, आप भी लगा सकते हो याद रखने के लिए, एटलीस्ट अगर दो तीन पेड़ भी मुझे याद हो जाएंगे तो जब वो ग्रुप में पेड़ पूछेगा ये कौन सी बेल्ट से पूछेगा, मुझे याद आ जाएगा, है ना। ये मेरा ट्रिक है अल्पाइन, अल्पाइन वाले बूटों को याद करने के लिए, फॉरेस्ट को याद करने के लिए। तो आपको भी मैंने बता दिया, आप ऐसे इसको याद रख सकते हो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, इन जम्मू एंड कश्मीर द विलेज एंड द कम्युनिटी लैंड्स यूज्ड टू, जम्मू एंड कश्मीर विलेज, अभी नहीं कुछ हो सकता, पढ़ा रहा हूं अभी। इन जम्मू एंड कश्मीर द विलेज एंड कम्युनिटी लैंड्स आर यूज्ड टू डेवलप द ट्री क्रॉप्स, ऑब्वियसली डेवलप द फॉडर स्पीशीज, ऑब्वियसली थ्रो बोथ वन एंड टू, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो हमें मना किए गए हैं उगाने के लिए अकॉर्डिंग टू कुथ एक्ट, और कुछ ऐसे प्लांट भी हैं जिनको हम उठा के कहीं और नहीं लगा सकते, ठीक है, जैसे कन्वर्ट नहीं कर सकते उनकी स्पीशीज को, यहाँ से वहाँ नहीं कर सकते, दैट इज कन्वर्जेशन एक्ट। मैंने पढ़ाया सब कुछ अपनी वीडियो में, एक बार देखोगे सारा पता चल जाएगा, इवन एग्जांपल्स भी बताई हैं और फोटोज तक बताए हैं कि ये हमारा कुथ प्लांट है भाई, ससुरा लप्पा, क्यों कुथ है, क्या है, क्या वैरायटी है, सब बताया। उससे मुझे ये याद रहता है हमेशा कि जो लैंटेना कैमरा है ये एक वीड है, क्या है, ये एक वीड है, फाइन। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब में, अगर आप चाहें देख सकते हैं, और मैं चाहूँगा कि आप वो देख के फिर इसके पास आएँ, एम सी क्यूज़ करें, इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको पता चलेगा कि आपने कितना अच्छे से पढ़ा या आपको कितना याद है, ठीक है। चलते हैं आगे, सेव नहीं करना, चलते हैं आगे, क्या है, द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट एक्ट ऑफ, करना क्या है, किसको व्हाट्सएप करना है, ये अजीब को व्हाट्सएप करना, जस्ट अ सेकंड, कर दिया बस, ये ले रखा। द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन इज द स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ, तो ये हमारा जो स्टेट कॉर्पोरेशन एक्ट है दैट इज एक्ट 1978, ये है 1978, फाइन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर है, याद ही करना पड़ेगा। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर केम इन टू एग्जिस्टेंसिस, हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कब आया था, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारा कुछ आई गेस 1883 में आया था, वैसे आई एम डाउटफुल, शायद ये आंसर ना हो, नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हमारा 1883 में आया था, ठीक है। चल रहे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द एरिया कवर्ड बाय हेमिस नेशनल पार्क, हेमिस नेशनल पार्क मैंने आपको बता दिया लद्दाख का नेशनल पार्क है, मैंने डायग्राम पे बताया था, उसका एरिया है 4500 स्क्वायर किलोमीटर्स। देन हेमिस नेशनल पार्क हैव द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स, तो हेमिस नेशनल पार्क का क्या चक्कर है, ये है एक बड़े ठंडे इलाके में, इतने ठंडे इलाके में कि हमेशा बर्फ़ पड़ी रहती है, तो जो ऐसा जानवर जो उस बर्फ़ को सह सकता है या वहाँ रह सकता है या वो उसका नेचुरल हैबिटेट बन चुका है, मैंने अपनी वीडियोस में भी बताया है, बच्चों को बताता भी रहता हूँ, वो है हमारा स्नो टाइगर।
इसीलिए हैमिस नेशनल पार्क में हाईएस्ट डेंसिटी किसकी है, दैट इज स्नो लेपर्ड की। ठीक है, ये भी हो गया, आप सबको दिख रहा है ना साफ साफ। ओके, नेक्स्ट इज विच नेशनल पार्क इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन साउथ एशिया। सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क साउथ एशिया का कौन सा है? यही है, यही है, हैमिस नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ साउथ इंडिया। किश्तवाड़ नेशनल पार्क की बात करें तो ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1981 में, 1981 में किश्तवाड़ नेशनल पार्क को एस्टेब्लिश किया गया था। फाइन, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है विच नेशनल पार्क इज नोन एज स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये आंसर भी वहीं से निकल गया, सारे के सारे ये हैमिस ही चल रहे हैं मेरे ख्याल से। नो मतलब हैमिस पे जो अलग एक और क्वेश्चन बन सकता है वो क्या कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसके स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, हमारा फिर से स्नो लेपर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ट्री स्पीशीज फाउंड इन किश्तवाड़ नेशनल पार्क आर, तो यहाँ से आप किश्तवाड़ नेशनल पार्क की ट्री स्पीशीज को भी याद कर सकते हो, क्योंकि चाहे चाहे चिलगोजा पाइन हो, चाहे हिमालयन सीडार हो, या पर्शियन वॉलनट हो, ओक हो, सारी की सारी कहाँ मिलती हैं हमारी? किश्तवाड़ नेशनल पार्क में मिलती हैं। ओके, तो आप इसकी स्पीशीज यहीं से याद कर सकते हो, दैट इज चिलगोजा, हिमालयन सीडार, पर्शियन वॉलनट या फिर ओक। फाइन, चलते हैं आगे। विच नेशनल पार्क वॉज फाउंडेड टू प्रोटेक्ट द स्नो लेपर्ड्स। अब इसमें बच्चे पलेखा खा सकते हैं, क्यों खा सकते हैं? देखो, स्नो लेपर्ड्स के लिए मैंने आपको बताया ना, ज़्यादातर कहाँ पे? हैमिस नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई नेशनल पार्क जिसको पर्टिकुलरली उन्हीं को सेव करने के लिए बनाया गया हो, देन आंसर वुड नॉट बी हैमिस, बट इट वुड बी किश्तवाड़ नेशनल पार्क। इट वुड बी किश्तवाड़ नेशनल पार्क। ठीक है, अब ये सारे साथ साथ में मतलब वहाँ भी पाए जाते हैं, वहाँ भी पाए जाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने आपको बताया था कि टेम्परेट बेल्ट है, तो पूरे अर्थ में ही टेम्परेट बेल्ट है, पूरे अर्थ में ही वो ठंडा मौसम है उस पर्टिकुलर बेल्ट पे, उस पर्टिकुलर बेल्ट पे ही हमारा अरुणाचल प्रदेश आ रहा है, हमारा सिक्किम आ रहा है, हमारा हिमाचल प्रदेश आ रहा है, हमारा जम्मू कश्मीर आ रहा है, इसी हमारा लद्दाख आ रहा है, इसीलिए ये पूरी बेल्ट के जानवर आपस में मेल खाते हैं। मतलब वो जानवर को यहाँ रखो या वहाँ रखो या वहाँ रखो, वो रह लेते हैं, वो अपना नेचुरल हैबिटेट वहाँ फाउंड करते हैं, उनकी जो फिजिकल नेचर करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस वेदर से मैच करती हैं, तो वहाँ पे सस्टेन कर सकते हैं। इसलिए कभी डाउट में मत आना कि ये यहाँ पाया जाता है, वहाँ क्यों पाया जाता है, बिकॉज ऑफ द सिमिलर बेल्ट ऑफ अवर अर्थ। फाइन, चलें आगे। आगे है हमारा डाचीगाम नेशनल पार्क जो एस्टेब्लिश किया गया था, बच्चे ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? डैट वॉज इन 1981। फाइन, डाचीगाम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड 20 किलोमीटर्स फ्रॉम किससे? ऑब्वियसली श्रीनगर से। ठीक है, द अर्लियर नेम ऑफ विच पार्क वॉज द सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। मैं बता ही चुका हूँ अपने दूसरे तीसरे MCQ में कि सलीम अली नेशनल पार्क को ही सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ओके, ये भी हो गया। नेक्स्ट इज विच नेशनल पार्क वॉज नेम्ड आफ्टर रिनोन्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट एंड नेचुरलिस्ट मिस्टर सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली। जो सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली थे उनके नाम पे कौन सा नेशनल पार्क रखा गया? याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी सलीम है, यहाँ भी सलीम है, ऑब्वियसली आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा? सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक है, कॉमन सेंस है। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, पर्टिकुलरली कुछ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 63 में दिस पार्क इज मेड आउट ऑफ ए लिम्बर एंड लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड द नागनारी कंजर्वेशन रिजर्व नेम द नेशनल पार्क। मतलब लिम्बर से, लाचीपुरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से और नागनारी कंजर्वेशन रिजर्व से जिसका नाम उठाया गया, जिसको कार्व आउट किया गया, वो कौन सा है? देखो, यहाँ भी नाग है, यहाँ भी नाग है, तो इसका आंसर बन गया काजीनाग नेशनल पार्क। हो सकता है आपको वहाँ पे काजी नागनारी ना दिया हो, सिर्फ लिम्बर और लाचीपुरा के हिसाब से क्वेश्चन पूछा हो, तो फिर आपके लिए कन्फ्यूजन हो जाएगी, मुश्किल हो जाएगी। आपको इसलिए याद रखना है, चाहे लिम्बर हो, चाहे लाचीपुरा हो, चाहे नागनारी कन्वर्जेशन हो, ठीक है, आपका आंसर क्या होने वाला है? हमेशा काजी नाग नेशनल पार्क, दैट इज इन बारामूला श्रीनगर, बारामूला कश्मीर। ओके, मैंने आपको किसी क्वेश्चन में बता के बताया भी था कि काजी नाग श्रीनगर से थोड़ा इस साइड आता है, मतलब अगर मैं वेस्ट से ईस्ट देखूं तो पहले क्या आएगा? पहले मेरा आएगा श्रीनगर वाला सलीम अली, फिर आएगा मेरा बारामूला वाला काजी नाग। तो ये उसी की बात की जा रही है, ठीक है। लिम्बर, लाचीपुरा, ये दोनों कहाँ पे हैं? बारामूला में। तो अगर मुझे बस इतना पता होता कि लिम्बर लाचीपुरा बारामूला में है, तो अभी मैं इसका आंसर निकाल सकता था कि अल्टीमेटली देयर फॉर इट इज टॉकिंग अबाउट द काजीनाग नेशनल पार्क। फाइन, चलते हैं आगे। अब काजीनाग नेशनल पार्क कहाँ पे है? मैंने अभी बता दिया बातों में, बारामूला में है। नेक्स्ट इज विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड्स मिक्स्ड स्क्रब फॉरेस्ट
comprises mainly broad leaf species, broad leaf species, fine, mixed with stands of Pinus Gerardiana. तो एक तो मेरे को species दे दी, बता दिया mixed scrub forest है, दूसरा बता दिया इसमें क्या होते हैं, broad leaves होते हैं, इसमें broad leaves होते हैं. तो उसका बच्चे क्या आंसर है, उसका आंसर है सुरिंसर मानसर सेंचुरी. तो सुरिंसर मानसर सेंचुरी ऐसी सेंचुरी है जम्मू कश्मीर में मेरे पास, जहाँ पे मिक्स क्रॉप फॉरेस्ट भी मिलते हैं, वही ब्रॉड लीफ भी होते हैं, और स्टैंड्स ऑफ पाइनस जो है गेराडियाना भी यहाँ पे पाया जाता है. ओके, ये भी हो गया. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट इज विच डियर इज हंटेड फॉर सिंटिड ग्लैंड्स. ठीक है, ये जिसने मेरी वीडियो देखी है वो तो झट से आंसर दे देगा. तो मैंने ये ऐसे याद करवाया था कि सिंटिड ग्लैंड्स का मतलब मुश्क, अच्छी मुश्क या बुरी मुश्क वो तो अलग बात है, पर मुश्क तो है. तो सिंटिड ग्लैंड से मुश्क याद रखो. मुश्क से क्या याद आएगा, हमेशा मस्क डियर, और उसके आंसर क्या है, मस्क डियर. यहीं पे ख़त्म. ठीक है, मैंने वीडियोस में एक एक चीज़ बड़े अच्छे से बताई है, प्यार से समझाई है, ट्रिक्स भी बताए हैं, खासकर फोना फ्लोरा म्यूजिक एंड डांस में. अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको याद करने की अब ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ट्रिक याद रखो और मेरा काम हो गया. ठीक, तो विच डियर इज हंटेड फॉर सिंटिड ग्लैंड, दैट इज़ माई मस्क डियर. ओके, लोकल नेम ऑफ हल्ज रीम बिलोंग्स टू, ये भी मैंने अपनी सीरीज में करवाया हुआ है कि जो हल्ज या रीम ये किसका लोकल नेम है. इट बिलोंग्स टू हिमालयन सीरो, इट बिलोंग्स टू हिमालयन सीरो, फाइन. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ डार्क ब्राउन गोट विद डल वाइट सैडल पैचेस. मतलब कोई गोट है मेरे पास, है ना, कोई गोट है मेरे पास, उसके जो पैर के कलर हैं पर्टिकुलरली वो क्या है, उसमें वाइट पैचेस होते हैं. एक बात अगर तो ये बात बोल दें, पहली करेक्टरिस्टिक. दूसरी करेक्टरिस्टिक ये कि रनिंग स्टार्ट के बिना, विदाउट अ रनिंग स्टार्ट ये 6 से 8 फुट का जंप मार लेती है खड़े खड़े ही. ये इसकी दूसरी करेक्टरिस्टिक है, फाइन. उसके बाद की क्या करेक्टरिस्टिक है, जाना मत अभी, बस 5 मिनट फ्री हो जाऊंगा फिर चले जाना, बस 5 मिनट रुक जाओ, बस जस्ट 5 मिनट्स. तो वाइट डल सेटल पैचेज होते हैं, ठीक है, पहली करेक्टरिस्टिक. दूसरी क्या है, विदाउट ए रनिंग स्टार्ट 6 से 8 फुट का जंप मार लेती है. और इसकी अगर एक और करेक्टरिस्टिक बताऊं तो ये क्या, ये फेवरेट, जैसे मेरा फेवरेट फूड अगर चिकन है, सपोज मेरा चिकन है तंदूरी चिकन, किसी का राजमा है, ठीक है, वैसे ही अगर मैं पूछूं स्नो लेपर्ड है जो हमारा, जिसकी मैंने आपको बेल्ट के बारे में बताया कहाँ पाया जाता है, जिसकी फैटी सी बड़ी पूंछ होती है, उसका क्या काम है वो भी मैंने बताया हुआ वीडियो में. तो अगर मैं बोलूँ स्नो लेपर्ड का सबसे फेवरेट खाना कौन सा है, विच फूड इज इज फेवरेट, तो उसका आंसर भी क्या आता है, इबेक्स. उसका आंसर भी क्या आता है, इबेक्स आता है. ही फाउंड्स इबेक्स वेरी टेस्टी, फाइन. तो ये तीनों चारों क्वेश्चन हमारे किससे बन सकते हैं, इबेक्स से बन सकते हैं, कि डार्क ब्राउन गोट है, डल सैडल पैचेस हैं, विदाउट ए रनिंग स्टार्ट इतना बड़ा जंप ले लेती है, स्नो लेपर्ड इसको खाना पसंद करता है. तो सारे आंसर्स, सबके आंसर्स क्या हो जाएंगे, मेरे इबेक्स हो जाएंगे. फिर आ गया, ये मैंने बताया पहले भी, तंजोत सिंह SP बनना चाहता है फाइन पुलिस में. सो 3 साल शीशम पीपल, सबको याद हो गया क्या इसका क्या आंसर आएगा, देयर फॉर दे आर सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, फाइन. नेक्स्ट भी है कोई, देख लेते. मेंशन अ ट्री दैट विच कैन बी यूज टू ट्रील्ड माइल्ड हेडेक और कैन रिलीव मेंटल स्ट्रेस. ये मैंने बताया था कि ऐसा कौन सा पेड़ है, उसकी दो विशेषताएं हैं, ठीक है, एक तो ये विशेषताएं हैं, एक तो ये विशेषता है कि ये पेड़ की जो हाइट है, मतलब ये एक्सीडिंगली वेरी हाई, मतलब ज़रूर से या हद से ज़्यादा जिसकी हाइट होती है, लगभग 60 मीटर्स की हाइट रहती है इस पेड़ की, पहली करेक्टरिस्टिक ये. दूसरी करेक्टरिस्टिक ये, इसके जो पत्ते होते हैं या फिर इसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो क्या करती हैं, वो दे आर यूज टू ट्रीट माइल्ड हेडेक्स और कैन ऑल्सो बी यूज टू रिलीव द मेंटल स्ट्रेसिस. तो ऐसी करेक्टरिस्टिक कौन से पेड़ की हैं हमारी, दैट इज सिल्वर फिर. ठीक है, आपको किसी भी तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक्सीडिंगली वेरी हाई, कितना हाई, इतना, ये भी पूछ सकते हैं, वो भी पूछ सकते हैं. तो जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सब बता रहा हूँ, छोटा बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, एक वंस फॉर ऑल हम खत्म करेंगे फोना फ्लोरा के सारे न्यूमेरिकल्स. लास्ट है मेरे पास, प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर फाउंड इन ए पर्टिकुलर रीजन एंड कॉल्ड एज. ओके, इसका क्या है, ये ना एक्चुअली इन ए पर्टिकुलर रीजन, इसको ऐड करो एंड नो वेयर एल्स इन द वर्ल्ड. अब इस पर्टिकुलर रीजन का मतलब समझ आएगा कि
एक पर्टिकुलर रीजन में एंड नोवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, मतलब और कहीं भी नहीं पाए जाते, सिर्फ वहीं पाए जाते हैं पूरी दुनिया में। ऐसे प्लांट्स को, ऐसे एनिमल्स या प्लांट स्पीशीज़ को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़। क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीशीज़। फोना फ्लोरा तो है ही है, इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी में या इकोलॉजी में भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना। तो इसके साथ मैंने कोशिश की है आज फ्लोरा फोना के क्वेश्चंस को डिस्कस करवाने की आपके सामने। हमने कितने क्वेश्चन किए? लगभग 70 क्वेश्चन कर लिए हैं आज, है ना, जिसमें तरह तरह के मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड। मैंने आपको बना के भी बता दिया कहाँ कहाँ कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं उनके। उसके बाद फॉरेस्ट के क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेके आया, उसके बाद मैं आपके साथ कुछ जनरल क्वेश्चंस लेके आया जो बन सकते हैं। मैंने टारगेट करने की कोशिश की हर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हर एक फोना फ्लोरा का एस्पेक्ट और द टाइप ऑफ रिलेटेड क्वेश्चंस दैट कुड बी आस्क्ड। और अगर कोई एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया उसमें से ही 3-4 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो मैंने आपको बताया। तो हमने आज 70 नहीं, कम से कम लगभग 100-120 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन में अगर एक्स्ट्रा नॉलेज ऐड करूंगा तो वो नॉलेज कल को क्वेश्चन के फॉर्म में भी बन के आ सकती है। तो इसके साथ आज की सीरीज इतनी है। मिसलिनियस सीरीज में जो जेके सीरीज चल रही है उसमें मैंने आज आपके साथ एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट की है, और आज ही हमने ख़त्म कर लिया है फोना फ्लोरा। उसमें मैंने फॉरेस्ट भी ख़त्म करवा दिए हैं, उसमें मैंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी ख़त्म करवा दिए हैं। फिर भी मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक बार जाके वो 13 जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जम्मू कश्मीर की उनका नाम ज़रूर पढ़ें, और एटलीस्ट इतना पढ़ लें कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ से है, कौन सी सबसे बड़ी है, कौन सी सबसे छोटी है, जैसे जसरोटा है कठुआ में सबसे छोटी, कौन सी सबसे बड़ी है, ये सब आप प्लीज़ पढ़िए जाके। उसके अलावा फोना फ्लोरा पूरा ही ख़त्म हो चुका है। मेरी ये सीरीज़ स्टार्ट होने से पहले कोशिश कीजिए फोना फ्लोरा वाले चैप्टर स्टडी कर लीजिए, क्योंकि वो पढ़ोगे तो ये अपने आप आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बनेगा और कल को एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे, है ना। और मोर ओवर जो मेरे दोस्तों को PDF चाहिए इन सब की, इसकी या किसी भी वीडियो की, वो टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है विंग्स की, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं, मैंने टेक्निकल टीम से बात कर ली है। फाइन, सो हैव अ नाइस डे, स्टडी वेल एंड गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। थैंक यू।